तुझे गर्मी लगी तो मैं क्या करूं। अरे मैं क्या करूं मतलब मैं ही तो करूंगा, और कौन करेगा? मतलब आपकी गर्मी का इलाज? अरे आज बॉस गर्मी का इलाज मतलब एक दो तीन तीन इलाज, आज बनाएंगे आइस्ड टी। मतलब गर्मी आज हम तुझे भगा देंगे। हेलो, आपने ऐड देखा था ना वो पाउडर वाला, गर्मी को काट दो, तो ये वही है। तीन तीन आइस टी बनाएंगे, बढ़िया फ्लेवर, नए फ्लेवर। आज तक ऐसी आइस टी पी नहीं होगी, मेरी गारंटी है। चलो बनाते हैं। इंटेंशन है तीन आइस टी बनाने का, और तीन आइस टी बनाने के लिए पानी उबल रहा है। अब आप बोलेंगे ठंडी बना रहे हो तो इसमें पानी क्यों उबाल रहे हो? भैया आइस टी में चाय तो बनेगी ना, आइस टी में चाय तो डालनी पड़ेगी ना, तो टी कैसे बनेगी? भैया सबसे पहले अगर आपके पास इस टाइप का कोई यंत्र है तो बढ़िया है, और अगर वो भी नहीं करना है तो गर्म पानी में ना चाय को थोड़ा सा उबाल दो। मतलब उबालना नहीं है, दैट इज़ द मेन पॉइंट। हमें जिस तरह से इंडियन चाय बनाते हैं ना वैसे उबालनी नहीं है, इसे ब्रू करना है। ब्रू यानी गर्म पानी में उसे छोड़ना है, उबलते पानी। तो हम क्या कर रहे हैं जी, यहाँ पे ये हमारे पास अंदर एक डब्बा है, इसमें डालेंगे हम तीन छोटे चम्मच चाय के। अब दो आइस टी बनेगी हमारी रेगुलर देसी चाय लीव से, और एक आइस टी बनेगी ग्रीन टी से, हेल्दी वाली। तो तीन एक और डालते हैं चार, एंड चाय के साथ गर्मा गर्म पानी, और यहाँ पे डालेंगे थोड़े से पुदीने के बढ़िया से पत्ते, और इसे कर देंगे बंद। अब ऐसा है जी, पुदीने का रस गर्मा गर्म चाय में आ जाएगा बिल्कुल बढ़िया सा, मतलब पुदीने का फ्लेवर इन द आइस टी। द टी ब्रू यानी कि चाय की जो कंकॉक्शन है, जो ब्रू है, उसमें पुदीने का फ्लेवर मध्यम मध्यम आएगा। चलिए ये तैयार। अब इतनी नई नई रेसिपीज आपके लिए हम लेके आ रहे हैं, सब्सक्राइब कर लो भैया, बेल आइकन दबा दो। दबाने से क्या होगा, नई रेसिपी, जैसे ये नई रेसिपी आ रही आपको पता चल। तो ऐसा है कि तीन तीन चीज़ें एक साथ हो रही हैं, तो हम आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे, इसलिए स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। ये आइस टी का कंकॉक्शन जो हमने बनाया, ये दो आइस टी में जाएगा, और तीसरी आइस टी में हम डालेंगे ग्रीन टी। इट्स सपोज टू बी वेरी हेल्थी, माई वाइफ लव्स ग्रीन टी, आई एम स्टार्टिंग टू लाइक ग्रीन टी, और उसे भी ब्रू करना है यानी गर्म पानी में उसे छोड़ देना है। तो ये बन जाएगा जी हमारा टी लिका, LIQUOR, मतलब चाय का कंकॉक्शन। अब ये आराम से मध्यम मध्यम जो चाय है हरी वाली, तो दोनों चाय के कंकॉक्शन रेडी हैं। अब ये थोड़े से ठंडे भी हो जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि आइस टी बन रही है। अब नेक्स्ट स्टेप इज टू मेक आम पन्ना। आपको दिखाया है आम पन्ना की रेसिपी है हमारे यूट्यूब चैनल पर फिर भी लाइफ में ना कुछ चीज़ें में रिफ्रेशिंग चीज होती है। तो आम जो कि कच्चा आम कैरी होता है, उसे आप लो और कुकर में उबाल दो अच्छे से। अब मेक श्योर कि कैरी अच्छी मस्त खट्टी हो, और खट्टी होने के बाद इसे आप उबाल दीजिए तो उसका थोड़ा खट्टापन कम हो जाएगा, एंड इसका पल्प यहाँ पर निकाल दीजिए। अच्छा, कितने लोगों को याद है नीचे लिख के बताना मेरे को कि अमीन सयानी साहब कौन थे? अभी रिसेंटली क्या हुआ, पिछले हफ्ते ना मैं ऐसी मजे ले रहा था, एक पोस्ट मैंने डाली और उसमें मैंने आई ट्राइड टू टॉक लाइक श्री श्री अमीन सयानी जी, और मैंने कहा नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप, और आज आपके लिए मैं लेके आने वाला हूँ एक ऐसा गाना जो आप सुनते ही खो जाएंगे। वेल, हम भी कभी कभी सयानी साहब को याद कर लेते हैं और कहते हैं आज हम आपके लिए बनाने वाले हैं ऐसा आम पन्ना जिसे खा के पी के आप हो जाएंगे तंदुरुस्त, रहेंगे मस्त और स्वस्थ। ये मस्त और स्वस्थ वाली रेसिपी है जी, आम का पल्प
और फिर आगे। सो ये बन गया जी आम का पल्प। अब क्या होता है ना, प्रेशर कुकर में जब हम इसको पकाते हैं तो खट्टे में साथ में थोड़ा सा मिठास भी आ जाती है, बिकॉज इट कुक्स इन प्रेशर एंड बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर इट एक्चुअली टर्न्स अ लिटिल स्वीट एंड दैट्स व्हाट वी वांट, खट्टा मीठा। इसमें तीखा नहीं, नहीं तो आप बोलेंगे शेफ खट्टा मीठा तीखा, मतलब आप तो हमेशा बोलते हैं डाल सकते हो तीखा। देखो हल्की सी काली मिर्च डाल दी मैंने, हल्का सा जीरू पाउडर एंड चाट मसाला, थोड़ा सा काला नमक एंड या तो आप चीनी डाल लें या फिर आप शुगर सिरप डाल लें। तो हम डाल रहे हैं जी यहाँ पे शुगर का सिरप, चार छोटे चम्मच सिरप। बाय द वे दिस इज आम पन्ना, ठीक है। अब इसमें क्योंकि हम आम पन्ना की आइस टी बनाने वाले हैं तो थोड़ा एक फ्रेश एलिमेंट डालेंगे, थोड़ा सा फ्रेश मिंट, और इट इज़ गोइंग टू बी लाइक अम्बी कैरी चटनी और उसकी बनेगी आइस टी। चलो जी अब इसे पीस लो। फाइन, तो जी बढ़िया सा आम पन्ना का मिक्सचर बन चुका है। अब इसको आप पानी में घोलो, बर्फ़ डालो, थोड़ी और चीनी डालो, पी जाओ, तैयार है। बट अगर आइस टी वाली रेसिपी चाहिए तो थोड़ा इंतज़ार, क्योंकि ये एक स्टेप हुआ है। अभी हम बनाएंगे संतरे की आइस टी विद बेजिल या तुलसी, तो वो तो मतलब अमेजिंग है। अब जी संतरे का काम, तो हमें ये संतरे की गार्निश भी बनानी है और हमें संतरे का मोहितो भी बनाना है। तो मोहितो बनाने के लिए आप ऐसे रफ पीसेस काट लो संतरे के थोड़े से, और इनके बीज जरूर से निकाल देना, नहीं तो क्या होगा ना, कड़वा हो जाएगा मोहितो। कड़वा नहीं होना चाहिए ना मोहितो, इट इज़ अ नाइस रिफ्रेशिंग ड्रिंक, तो मज़ा आना चाहिए। ओके, अब इसमें जाएगा थोड़ा सा अदरक। सो टिपिकल लेमन मोहितो में जाता है नींबू, अदरक और मिंट, पर यहाँ पे हम ऑरेंज और बेसिल यानी कि संतरा और तुलसी का ये बना रहे हैं मोहितो। तो डाला संतरा, डाला थोड़ा जिंजर और साथ में डाली थोड़ी सी बेसिल यानी कि तुलसी। अब ये इटालियन बेसिल है, पर अगर आपको तुलसी डालनी है तो आप तुलसी डाल सकते हैं। साथ में हम डालेंगे जी थोड़ा सा ब्राउन शुगर, एंड देन जस्ट हल्का सा इसे पाउंड करना है, इसे क्रश करना है, इसकी पेस्ट नहीं बनानी, करवाट आ जाएगी नहीं तो। अब जो बारमैन लोग होते हैं उनके पास तो बहुत सारे अच्छे से यंत्र होते हैं ना, देखा होगा आपने, वो ऐसे मडल करते हैं, उसे मडलिंग कहते हैं। हमारे पास ना है जी मडलर, हमारे पास ये है किचन वाला यंत्र, हमाम दस्ता, वही चलेगा। हल्के हाथ से इसे कर लिया जी क्रश, ताकि ऑरेंज के पील से थोड़ा सा वो जूस निकले, ऑरेंज से जूस निकले, बेसिल थोड़ा सा क्रश हो जाए और मिक्सचर बन जाए बढ़िया सा। चिड़ियों की चहचहाट के साथ बन रहा है आइस टी तुलसी और संतरे का, ये मिक्सचर गया नीचे। और ये जो जूस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। ओके, अब एक और इंपॉर्टेंट काम करना है इसमें, सब्जा सीड्स, बेसिल सीड्स अवेलेबल है मार्केट में ड्राई फॉर्म में, उनको आप पानी में रख दोगे थोड़ी देर तो ये ऐसे बन जाएंगे बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट, बिल्कुल गमी गमी जैसे, बड़े अच्छे लगते हैं, बाइट आती है इसमें। तो ये हम आइस टीज में डालेंगे ना तो मज़ा आएगा। एक ऑरेंज, एक ये आम पन्ना वाला, इसे भी डाल देते हैं। तीसरी बनेगी क्लासिक लेमन आइस टी। नाउ क्लासिक लेमन आइस टी इज नथिंग बट लेमन आइस एंड टी। चाय का डिकॉक्शन रेडी है, लेमन का निकाल लो जूस और आह,
साथ में डालो जी थोड़ी सी पुदीने की स्प्रिग्स, लेमन जूस, मिंट स्प्रिग्स, स्लाइसेस ऑफ लेमन, अगर आप चाहें तो इसमें ऑरेंज के स्लाइसेस भी डाल सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लुक बड़ा अच्छा आएगा। सो आई एम कटिंग हाफ स्लाइसेस ऑफ ऑरेंज, होल लॉट ऑफ आइस, गोइंग विथ सम शुगर सिरप टू मेक इट नाइस एंड स्वीट, बेसिल सीड्स विल लुक वेरी प्रिटी, आइस टी है तो पानी तो चाहिए बनता है। एंड नाउ द टी लिकर, लवली क्लासिक लेमन आइस टी विथ सम ऑरेंज इज रेडी। अब ये ऑरेंज मोहितो वाला जो काम हो रहा था ना, इसको और एक्साइटिंग बना देंगे। इसमें भी डालेंगे थोड़ा सा सब्जा सीड्स, इसमें डालेंगे थोड़े से फ्रेश बेजिल के लीव्स, इसमें डालेंगे ऑरेंज का एक बढ़िया क्वार्टर स्लाइस, देन लोड इट विद क्रश्ड आइस। नाउ सिंस दिस इज ऑरेंज आइस टी, पहले ऑरेंज जूस जाएगा फिर चाय जाएगी, थोड़ा सा शुगर सिरप, गो विथ फ्रेश और कैन ऑरेंज जूस, वैसे ये ऑरेंज बेजिल मोहितो एकदम तैयार है, बट वी गोना मेक इट अ लवली आइस टी। Wow, divine. Now finally, आम पन्ना, इसमें थोड़ा सा शुगर और डालेंगे, a little bit more water, some more crushed ice, and finally ये green tea का mixture जाएगा आम पन्ना के साथ, बहुत ही सटल, बहुत ही अमेजिंग। आम पन्ना आइस टी, ऑरेंज बेजिल आइस टी एंड क्लासिक लेमन आइस टी। भैया इस गर्मी तो आप एक दो तीन तीन बार मजे उठाएंगे, क्योंकि ये रेसिपी है ही उतनी मजेदार। खुशी होती है ना जब एक नहीं दो नहीं तीन तीन बढ़िया बढ़िया समर ड्रिंक्स इस चल चलाती गर्मी में जो आपको जला दे, और यहाँ पे हम आपको ठंडक दे रहे हैं बिल्कुल कलेजे तक। वाह उस्ताद वाह, बढ़िया है, ठंडी है, टेस्टी है, मज़ेदार है। नहीं बनाई ना तो आपकी गलती होगी, मेरी नहीं, क्योंकि मुझे तो मतलब मिल गया एक गर्मी का जुगाड़। अब आपकी गर्मी का जुगाड़ हमने आपको दे दिया है, बना लो।